क्या है गदर 2 में क्रश इंडिया। क्रश इंडिया देखकर सोच में पड़े लोग, पाकिस्तान से क्रश इंडिया का कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं वन इंडिया। सनी देओल की नई फिल्म गदर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। गदर 2 के टीजर में लोगों ने क्रश इंडिया के पोस्टर देखे। इन पोस्टर्स को देखकर लोग के दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये क्या माजरा है और इसके पीछे भारत पाकिस्तान का कोई संबंध तो नहीं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। दरअसल सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 रिलीज होने वाली है। ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में आ जाएगी। अभी हाल ही में गदर 2 का टीजर भी सामने आया है। टीजर की शुरुआत में एक महिला आवाज तारा सिंह का जिक्र करती आ रही है, वही पाकिस्तान का दामाद है ये कहती हुई दिखाई दे रही है। दहेज में लाहौर ले जाएगा। हमें पता चलता है कि फिल्म की कहानी 1971 के लाहौर में पाकिस्तान तक पहुंच जाएगी। लोग सड़कों पर आ गए थे जब नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन करने वाले लोगों के हाथ में बैनर दिखते हैं जिसमें लिखा होता है, हमें इंडिया से बदला चाहिए, साथ ही भारत को टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए। ऐसे पोस्टर उनके हाथों में दिखाई देते हैं। इनके बीच में होता है एक और साइनबोर्ड जो हमेशा दिखता है, वो है क्रश इंडिया। अब आप ये भी जान लीजिए कि भले ही गदर 2 एक फिल्म काल्पनिक कहानी है, लेकिन फिल्म में दिखाए गए क्रश इंडिया आंदोलन 1971 की बात तो 100% हकीकत है। जब जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान बंटवारे, भारत पाकिस्तान 1971 की जंग और क्रश इंडिया 1971 के बारे में पढ़ाई की है, उन्हें हकीकत मालूम है। लेकिन गदर 2 का टीजर देखकर जो लोग क्रश इंडिया को सिर्फ एक फिल्म की स्क्रिप्ट का पार्ट समझ रहे हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उन्हें गलत फहमी हो गई है। हम सभी को मालूम है कि 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान की जंग छिड़ी हुई थी। ये जंग बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए की गई थी। अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए थे तो उन्होंने बांग्लादेश को भी पाकिस्तान बना दिया था। भारत दोनों तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ था। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बहरहाल ये युद्ध इंडिया ने जीता और बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई। लेकिन इस जंग के शुरू होने से पहले पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की आवाम ने क्रश इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। युद्ध से पहले पाकिस्तान की सरकार और सेना ने वहां की जनता को भी भारत के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। पाकिस्तानी सेना को सपोर्ट करने के लिए वहां की जनता ने लाहौर में एक रैली निकाली जिसमें भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। इस दौरान क्रश इंडिया के पोस्टर लग गए। हर दीवार पर, हर गाड़ी में क्रश इंडिया के पोस्टर बैनर चिपकाए गए जिससे पाकिस्तान की सेना का हौसला बढ़ाया जा सके। तो यही था क्रश इंडिया मूवमेंट जिसको अब गदर 2 में देखा जा रहा है। तो अब आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि आखिरकार ये क्रश इंडिया मूवमेंट है क्या। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।